मित्रों, दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज मंगलवार डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता में आप सभी का दिल से सादर अभिवादन, खुशामदीद एंड वेलकम करता हूँ। विषय पे आने से पहले हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर। पहला, हमारी किसी भी चर्चा का एक भी शब्द किसी भी पार्टी अथवा विचारधारा से कोई सरोकार ना तो रखता है और ना ही कभी रखेगा। दूसरा, हमारी हर एक चर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र संविधान के बारे में शांतिपूर्वक तरीकों से भारत के नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और आज के सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का एक निष्पक्ष और निश्चल प्रयास पर है। पिछले हफ्ते शुक्रवार 14 सितंबर की शाम को चर्चा की थी एक बेहद खतरनाक ट्रेंड की, जो उभर रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस के रूप में। चर्चा का टाइटल था, हाईवे टोल प्लाजा पर लाइन में बिना टोल दिए निकलने के सरकारी सुविधा के बावजूद सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर हाईवे टोल पर देश की जनता के साथ साथ निकलना क्या वीवीआईपी और न्याय मूर्तियों के लिए एक शर्मनाक कृत्य है? मीडिया और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं लगातार और निश्चिंत भाव से। अब यदि आगे कुछ होता भी है तो उसका देश का आम नागरिक स्वागत ही करेगा, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए समानता के अधिकार का सम्मान होगा और देश की न्याय व्यवस्था में नागरिक का विश्वास बढ़ेगा। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। मुझसे लगभग आधी उम्र का मेरा एक दोस्त है, नाम है डॉक्टर अरिजीत चक्रवर्ती। डॉक्टर अरिजीत चक्रवर्ती न्यूजीलैंड से माइग्रेट होकर अब कनाडा में रहते हैं। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित बच्चों के ब्रेन रिसर्च सेंटर में एक अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट हैं। ये ऑकलैंड यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से पीएचडी की उपाधि से सम्मानित भी हैं। इन्होंने दो हफ्ते पहले अपनी फेसबुक वॉल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कनाडा के प्रधानमंत्री मिस्टर जस्टिन ट्रूडो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक अनौपचारिक Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे। आप चाहें तो उस वीडियो को मेरी फेसबुक वॉल पर जाकर देख और सुन भी सकते हैं। The anger that some people feel and that a lot of people feel about the payment the government made to Omar Khadr is real. And quite frankly, this might surprise you, but I share that anger and frustration. But that's not the way to think of this. The way to think of this is, first of all, that settlement had nothing to do with what Omar Khadr might have or might not have done. It had to do with what the Canadian government did or did not do. And when a Canadian government, willfully turns its back on defending a Canadian's rights and allows a Canadian to be tortured and mistreated, we all end up paying. Take it as a lesson that in the future, no Canadian government should ever think it's okay to allow a Canadian, no matter how unpopular they may be, to be tortured. That is not how we आप पूछेंगे इस वीडियो में ऐसी क्या खास बात है, तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं भी यूके में लगभग 10 साल से ऊपर रहा हूँ और जानता हूँ कि देश के प्रमुख राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्ति इस तरह की वार्ताएं करते ही रहते हैं। ये बड़ी आम बात है। मगर इससे पहले कि मैं इस वीडियो की खासियत का जिक्र करूँ, बताना चाहूँगा कि भारत और कनाडा के बीच में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। जैसे कि हमारी ही तरह कनाडा भी एक कॉमनवेल्थ नेशन है, दोनों ही देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। जहां भारत की तरह लोकतंत्र भी है और वहां की अच्छी खासी आबादी भारत से माइग्रेटेड है। पंजाबी को वहां तीसरी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और तो और, कनाडा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 भारतीय मूल के मंत्री भी हैं। ये सभी युवा हैं। जैसे कि कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं 42 साल के मिस्टर हरजीत सज्जन, जो कि एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर और कैनेडियन आर्मी के अफगानिस्तान में तैनात 3 मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के वेटरन लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। 38 वर्षीय श्री
अमरजीत सोही कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। सोही जी भारत में ही जन्मे थे और 17 साल की उम्र में धर्म निरपेक्ष श्री सोही जी की मानसिकता रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के खिलाफ रही है। कनाडा में 7 साल गुजारने के बाद 24 साल की उम्र में उनके मन में रचे बसे भारत की सोनी मिट्टी ने उन्हें एक बार फिर पुकारा और वे चले आए भारत में पढ़ने और बन गए एक सोशल एक्टिविस्ट और करने लगे वॉलंटरी डेवलपमेंट का काम। मगर जल्द ही उन्हें टेररिस्ट समझकर बिहार राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कारण था कनाडा से आया पंजाबी सिख बिहार में आखिर कर क्या रहा है। उन्हें टाडा के प्रोविजंस के मुताबिक बिना कोई आरोप पत्र दाखिल किए 2 साल तक बिहार की जेलों में सड़ाया गया। भारत से वापस जाकर वे केवल 14 सालों में कनाडा की सड़कों पर ड्राइवरी करते हुए 2015 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और आज कनाडा के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं। और आगे आते हैं तो पाते हैं 38 साल सरदार नवदीप बैन, जो कि कनाडा में ही बिजनेस स्कूल में एक प्रोफेसर हैं और अब मात्र 42 साल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर श्री जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन साइंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं। लास्ट और नॉट द लीस्ट 35 साल मिस बर्दिश छगर कनाडा में सिख इमिग्रेंट की बेटी हैं और अब हैं वहां की मिनिस्टर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड टूरिज्म। चलिए लौट कर आते हैं लोकतंत्र की चर्चा पर और जानते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते करते कनाडा कैसे पहुंच गए। आप सभी ये बात जानते ही नहीं बल्कि सहमत भी होंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक और उसका ओपिनियन का बराबर वजन होता है। देश में कोई भी छोटा बड़ा इस बात से नहीं होता या बनता कि वह किस पद पर बैठा है, बल्कि जनता ने जिसे भी अपने मत की शक्ति से जिस पद पर बिठा दिया है वह उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी से लद जाता है। यानी कि जितना वजन नागरिक के समर्थन के वोट में होता है बस उतना ही उस वोट के विरोध का भी होता है और होना भी चाहिए, और वही आपको इस वीडियो को देखने में मिलता है जिसका लिंक मैंने आपको दिया है कि किस तरह से मिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैमिल्टन हॉल में एक महिला के विरोध और हाल ही में अमेरिका की विवादास्पद ग्वांटानामो बे स्थित जेल से रिहा हुए कैनेडियन नागरिक ISIS आतंकवादी अब्दुल आबदी के रिहा होने के बाद उसकी जेल में प्रताड़ना और अब सोमालिया डिपोर्टेशन और करोड़ से अधिक कैनेडियन डॉलर कंपनसेशन जैसे कठिन और एम्बेरेसिंग सवालों का कितनी शालीनता और सहनशीलता से जवाब दे रहे हैं बल्कि अपनी गलती को भी स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं, नेवर फॉरगेट, वी आर नॉट परफेक्ट, फार फ्रॉम इट, एवरी डे वी हैव टू वर्क हार्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ वी कैन एंड मस्ट डू बेटर एंड मस्ट बी मोर कंपैशनेट, मोर अंडरस्टैंडिंग। वे कह रहे हैं कि देश का नागरिक कितना भी पदभ्रष्ट क्यों ना हो जाए, उसके नागरिक स्वतंत्रता विरोध और इनके हनन होने पर उसके कंपनसेशन के व्यक्तिगत अधिकार और अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी हर हाल में कैनेडियन प्रशासन पर होगी और सिर्फ कानून से ही उसका समाधान भी निकाला जाएगा। अब है ना ये अजीब बात। इस सारी जानकारी की पृष्ठभूमि में मैं इतना कहकर आपको छोड़ जाता हूँ इस बात पर विचार करने के लिए कि हमारे देश में संवैधानिक पदों और उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत समानता, स्वतंत्रता और विरोध के जनतांत्रिक अधिकारों का कितना सम्मान होता नजर आता है और कितना उन्हें हर स्तर पर रौना जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको हमारे देश में कहीं भी किसी भी स्तर पर लोकतंत्र नजर आता है? क्या आप सोचते हैं कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की मानसिकता लोकतांत्रिक है अथवा वे भी भूरी काली खानों के भीतर अंग्रेज शासकों जैसे और उनसे भी कहीं अधिक क्रूर और असंवेदनशील हैं? अगले एपिसोड में संभव हुआ तो बात करेंगे और जानेंगे मनोविज्ञान इस बात का कि क्यों हमारे देश में नागरिक विरोध हिंसक हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यह अब और अधिक आगे क्रूर और हिंसक ना हो, और यदि यह ऐसा हुआ तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसा जहां भी, जिन देशों में भी, जिस काल में भी हुआ है वहां क्या हुआ है? देश की मानसिकता और देश में जनतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए आप क्या सोचते हैं? मेरी बातों में न जाकर आप अपनी आत्मा से वाद विवाद करिए, अपनी आत्मा और मन से उत्तर पाकर अपना एक स्वतंत्र निर्णय बनाइए।
मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हमेशा की तरह एक बार रिमाइंड कर दूं कि हर मंगलवार शुक्रवार शाम को, इसी तरह अगले हफ्ते मंगलवार की शाम को हम एक बार फिर मिलेंगे डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता में और बात करेंगे एक कंटेम्पररी इशू पर, आज के राजनीतिक परिदृश्य को सामने रखकर मगर बिना किसी पार्टी या विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। मैं दिल की गहराइयों से ये उम्मीद, विश्वास और एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और साथियों के साथ विचार करेंगे, अपना स्वतंत्र निर्णय बनाएंगे और भारत के पवित्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और राष्ट्रभूमि में जनतंत्र की स्थापना और प्रसार के महान प्रयास में अपना योगदान करने की बात सोचेंगे। शुक्रिया कहते हुए आप सभी सुनने वालों से विदा लेता हूँ। शुभरात्रि, शब खैर एंड गुड नाइट। जय हिंद। Thank you.